दोस्तों, एक फिल्म को हिट बनाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका उस फिल्म की कहानी की होती है, ठीक उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिल्म के कलाकारों की। और जब एक परफेक्ट कहानी और कलाकार मिल जाते हैं तो बस एक जबरदस्त फिल्म सामने आ ही जाती है। और इसके चलते बॉलीवुड कलाकार हमेशा एक जबरदस्त कहानी की तलाश में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने भले ही अपनी सुपर डुपर हिट फिल्मों से हिंदी फिल्मी जगत को सफल मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन भाई बावजूद इसके ये अपने एक्टिंग करियर में जाने अनजाने में कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स को ठुकरा चुके हैं। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन्हीं चुनिंदा सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो अपने एक्टिंग करियर में ठुकरा चुके हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स। तो फिर चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जानते हैं कि कौन है वो सितारे। नंबर एक, सनी देओल। इस कड़ी में ना सबसे पहला नाम शुमार है सनी देओल का, जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज को रिजेक्ट किया था। आपको बता दें कि आश्रम वेब सीरीज इस साल रिलीज हुई है जो कि सबसे धमाकेदार वेब सीरीज में से एक है, लेकिन बावजूद इसके सनी देओल ने इसे करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसके पीछे की वजह बताई जा रही है क्योंकि सनी देओल चाहते थे कि ये रोल उनके भाई को मिले, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि वेब सीरीज काफी ज्यादा धमाल मचाने वाली है, इसीलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और तब ये रोल जाकर गिरा बॉबी देओल के झोली में। नंबर दो, कार्तिक आर्यन। इस कड़ी में दूसरा नाम शुमार है कार्तिक आर्यन का, और उन्होंने जिस फिल्म को रिजेक्ट किया है ना, वो हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म छलांग है, जो दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसमें मंजीत के किरदार के लिए सबसे पहले कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया गया था। लेकिन जब कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट को सुना तो उन्हें इस फिल्म की कहानी कुछ खासा पसंद नहीं आई, लेकिन जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई थी तब वो अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया के शूटिंग में बिजी थे और बस इसी कारण वो इस फिल्म को हाँ नहीं कर पाए और उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। नंबर तीन, अजय देवगन। इस लिस्ट में तीसरा नाम शुमार है बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन का, और उन्होंने जिस फिल्म को रिजेक्ट किया है ना, वो है फिल्म लक्ष्मी, जिसको रिजेक्ट करने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि क्योंकि अजय देवगन को ये अंदाजा हो गया था कि वो लक्ष्मी के किरदार में दर्शकों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले हैं, और इसीलिए इन्होंने इस फिल्म पर अपना टाइम और मेहनत वेस्ट करने से अच्छा इसे रिजेक्ट करना ही समझा। नंबर चार, शाहरुख खान। इस लिस्ट में चौथा नाम शुमार है बॉलीवुड के बादशाह और किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले शाहरुख खान का, जिन्होंने हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म राम सेतु में अक्षय के किरदार को करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस फिल्म का अभी तक ट्रेलर या टीजर दोनों ही रिलीज नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने पोस्टर को लेकर ही काफी ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कर रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, जिसमें दर्शकों को अक्षय का लुक भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जब शाहरुख खान से इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया क्योंकि ये धार्मिक मुद्दों से जुड़ी हुई कोई भी फिल्म करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट करना ही सही समझा। नंबर पाँच, टाइगर श्रॉफ। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है टाइगर श्रॉफ का, और उन्होंने ना जिस मूवी को रिजेक्ट किया है उस मूवी का नाम है कूली नंबर वन, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने, और इसमें उन्होंने वरुण धवन के रोल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई क्योंकि उन्हें इस मूवी की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने इसकी कहानी को सुनते ही इसे ना करने का मन बना लिया था और इस फिल्म से साफ इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से किस अभिनेता ने किस मूवी को ठुकरा कर सबसे ज़्यादा सही या फिर गलत किया है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम मज़ेदार और चटपटी खबरों को सबसे पहले देखने, जानने और साथ ही साथ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।